सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। चिन्मयानंद प्रकरण में पदयात्रा में शामिल होने जा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल राही व उनके बेटे पूर्व विधायक रमेश राही को पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बाईपास काशीराम कॉलोनी के पास रोक लिया। इसी के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य सबीना शफीक को शाहजहाँपुर जाते समय महुली में रोक लिया गया। कई कांग्रेसियों को घरों में ही नज़रबंद कर दिया गया है। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच तू डाल डाल में पात पात का खेल खेला गया, जिसमें पुलिस भारी पड़ी और कांग्रेसियों के शाहजहाँपुर जाने की तैयारियों की हवा निकाल कर रख दी। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सीतापुर में किस तरह पुलिस ने हाईवे पर नाकेबंदी कर रखी है। रविवार की रात से लेकर सोमवार को पुलिस ने कांग्रेसियों की हर गतिविधियों पर नज़रें गड़ा रखी थी। कुछ को उनके घरों में ही नज़रबंद कर दिया, लेकिन कुछ बस्ते बचाते शाहजहाँपुर जाने के लिए निकले ही थे कि रास्ते में पुलिस द्वारा की गई नाकेबंदी का शिकार हो गए और धर लिए गए। कांग्रेस ने चिन्मयानंद प्रकरण पर सोमवार को शाहजहाँपुर से लखनऊ के लिए पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया था, जिसके बाद यह नेता शाहजहाँपुर के लिए रवाना हो रहे थे। पूरे प्रकरण पर क्या बोले रामलाल राही आप आगे वीडियो में देख पाएंगे और सुन पाएंगे कि पूरे प्रकरण पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री क्या बोले हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार मोदी के इशारे पर हम लोगों को अब रास्ता चलना भी दूभर की है। लगता है इस राज्य में या इस देश में डेमोक्रेसी लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। ये लोग लोकतंत्र की खुलेआम हत्या करवा रहे हैं अपने शासन और प्रशासन से मिलकर, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अब क्या बता सकते हैं, हमें जरूर जाना चाहिए था लेकिन रोक रखा है, तो मन चाहता है कि अब यहीं पर हम लोग बैठें और रास्ता जाम करें। लेकिन ये भी एक हमारे से गलती हो जाएगी, रास्ता जाम करेंगे लोगों को कष्ट होगा, तकलीफ होगी। इसलिए रास्ता जनता के हित में होता है, जनता के लिए होता है, शासन और प्रशासन के लिए मात्र नहीं होता है, तो उसको हम चालू ही रखना चाहते हैं। नहीं तो हम चाहते थे यहीं धरना दें, बैठें और रास्ता भी जाम करें। इस मामले में उच्च अधिकारियों से कोई आपकी वार्ता हुई है क्या? नहीं, उच्च अधिकारियों से कोई बात, यहाँ से जाने नहीं देते तो बात कहाँ से हो। फोन पर बात किसी से हुई आपकी? नहीं, फोन पर हमारी किसी से बात नहीं हुई। क्या कार्यक्रम था आपका, कहाँ के लिए जा रहे थे? हम लोग शाहजहाँपुर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामाजिक न्याय के लिए, और अभी आपको बता दिए खास करके महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है और इस सरकार की कमजोरी के कारण हो रहा है, उसके खिलाफ हम आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। अभी आपसे क्या कहा गया है? अभी आपसे क्या कहा गया? रोक दिया है यहाँ पर, कुछ कहेंगे क्या? अरे सिपाही दरोगा लोग हैं बेचारे, ये क्या कहेंगे, ये तो शासन का आदेश। तो आप आगे शाहजहाँपुर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं इनसे कहना चाहता हूँ तुम लोग भी लोकतंत्र की रक्षा करो और आगे जाने दो। थैंक यू।